व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो कि इन ड्राइव ऐप, जिस तरह हमारी ड्राइविंग ऐप्स हैं, जिस तरह ऊबर है या करीम है, इस तरह एक नई ऐप आई है इन ड्राइव, उसको यूज़ करना चाहते हैं और उनको उस तरीका नहीं पता, तो ये वीडियो मैंने स्पेशल उनके लिए बनाई है। उसके लिए आप प्ले स्टोर से अपनी अपने मोबाइल में इन ड्राइव ऐप जो है वो डाउनलोड करें। तो जब इन ड्राइव ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी तो फिर आप इसको आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ और इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में इन ड्राइव ऐप के आइकॉन को दबाना है। तो इस तरह से खुल के आपके सामने एक मैसेज आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एसी ऑन करना ना भूलें। ये असल में ड्राइवर मूड के ऊपर इस वक्त है, ठीक है। इसमें राइडर जब एसी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो एसी चलाकर आपने ड्राइवर तक पहुंचना है, इसलिए ये मैसेज आया हुआ। ये एक याद दहानी कराई। अब आप ये देखें कि इसमें आपको ये सामने राइड्स नज़र आ रही हैं। अभी इस वक्त ऑफलाइन है तो जो राइड्स इस वक्त चल रही हैं उनकी डेस्टिनेशन और जहाँ से पिक पॉइंट है और डेस्टिनेशन दोनों आपके सामने शो होती हैं और उसका फेयर जो आपके सामने आता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर ही ग्रीन कलर के बटन है, इसमें देखें ये प्रोफाइल बनी हुई है, इसमें सारी ये ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे नीचे पैसेंजर मोड है। अगर आप इसको बटन को दबाते हैं तो ये ऐप इसी जगह से जो है वो पैसेंजर मोड पर चली जाती है, यानी कि अब मैं पैसेंजर के तौर पर इसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो आगे ऑप्शन हैं, जो राइड में लेना चाहता हूँ, मिनी की, एसी की, या रक्षा लेना चाहता हूँ, या मोटरसाइकिल में जाना चाहता हूँ, या डिलीवरी देना चाहता हूँ, ये सारी की सारी इस तरह सामने आ जाएंगी। अब इस वक्त मैं मॉडर्न आर ब्लॉक में हूँ। मैं डेस्टिनेशन अगर यहाँ पे कोई सेट करता हूँ तो वो ठोकर या ब्रेक की मिसाल के तौर पर सामने आ रही है। तो इसमें एसी की राइड के हिसाब से वो 550 रुपये फेयर बता रहा है। तो अगर मैं फाइंड ए ड्राइवर करूँगा तो वो यहाँ से मेरी जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब इसमें मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 550 को बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, +5 और -5 फेयर। ये उस सूरत में होगा जब कोई ड्राइवर मेरी राइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब देखें, इन्होंने 750 रुपये में से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ड्राइवर ने बताया कि मैंने 550 की रिक्वेस्ट की थी, एक 750 की कर रहा है, एक 550 की कर रहा है, अब एक 750 रुपये की कर रहा है। तो अब जिसे मैंने एक्सेप्ट करना है मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं डिक्लाइन कर दूँगा तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से इसमें मैं अपनी पसंद के फेयर पे ड्राइवर को ओके कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ मंजूर है, ठीक है। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब इसके बाद अगर हम इस ड्राइवर मोड पर जाएँ तो ड्राइवर मोड पर चले जाएँ तो ये ऑनलाइन हो गया। और इस तरह से आप किसी भी राइड को अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये उठा लेते हैं तो ये उसकी सारी डिटेल बताता है कि वो कहाँ है, कितनी दूर मौजूद है, और उसको आपने ऑफ़र करना कराया कि मैं वो 260 रुपये कह रहा है तो आप यहाँ से 340 रुपये कह दें। तो जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये उसे चली जाएगा ऑर्डर। अगर वो उसे ओके कर देगा तो वो आपके ऑर्डर को उठा लेगा।